एक बार बहुत टाइम के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सौरभ नेगी व्लॉग्स में। गला आपको लग रहा है ख़राब क्यों है, क्योंकि सुबह सुबह का अभी टाइम बज रहा है 6:30 और हम आ गए उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऋषिकेश पहुँचे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयफुल अभी तक तो रहा, क्योंकि हम रात को निकले थे 10:30 करीब और पूरी रात अखिलेश ने गाड़ी चलाई है और यही पैरेलल वीडियोज़ आपको अखिलेश के व्लॉग्स में मिलने वाली है, अखिल शर्मा ब्लॉग्स। तो बहुत टाइम हो गया था हम आप लोग मिले नहीं, तो इस वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। 5 दिन का हमारा ट्रिप होने वाला है, आज 23 तारीख है, 23 जून, और डे फर्स्ट में हम लोग फिलहाल हमारा मेन टारगेट है कि हेमकुंड साहिब के जो नीचे बेस कैंप है जिसको गोविंद घाट बोलते हैं वहाँ पहुँचा जाए। रास्ते में जो जो स्पॉट आते रहेंगे आप लोगों को कवर करते जाएंगे, बनी रहिए हमारे ब्लॉग में। जा रही हैं 2 गाड़ियाँ, एक है नेक्सॉन अपनी प्यारी और अमन सर की गाड़ी है साथ में। अमन सर की गाड़ी है ब्रेजा, जो न्यू मॉडल आई है ना। यहाँ पे हम रुके हैं क्योंकि हरिंदर सर को उल्टी का चांसेस हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। ये हमारे हरिंदर सर हैं, सबके फेवरेट हैं। अमन सर, अखिलेश जानते ही आप, संजीव सर, हफ्ती सर, हमारे सबके फेवरेट दूसरी गाड़ी के ड्राइवर अमन सर, और हमेशा के बच्चों के फेवरेट सर है हरिंदर सर। इनको उल्टी हो रही है। फाइनली हरि सर को इनो मिल गई और अब पेट में थोड़ा सुधार आएगा। बुलबुले बनेंगे बुलबुले, अब निकलेंगे कहाँ से ये नहीं पता है। एक अच्छे से टकार के बाद हरिंदर सर अच्छा फील कर रहे हैं। और हमने मिक्स पराठे खाए, दे वर वेरी कॉस्टली, बड़े कॉस्टली पराठे थे। 80 रुपए का एक पराठा थी सर। चने के नहीं खाते होती पे, उन्हें दोबारा पेट के दूजन दे देने। नहीं करना क्या था, थोड़ा गर्म कर दो। हमने ब्रेक लिया क्योंकि हम चाहते थे कि रुद्रप्रयाग संगम में नहाएं, बट वहाँ पे पार्किंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो हम नहीं कर पाए सब। बट हमने क्या किया कि हम आगे आ गए हैं, यहाँ दमदमा साहिब का कोई ग्रुप है जो कि लंगर लगाता है, 24 घंटे लंगर चलता है, बाथरूम में। देखो गाइस, हम आए हैं जोशी मठ के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे घरों में ना क्रॉस लगा हुआ है, देखो ये बंद पड़ेगा। जिन जिन घर पे क्रॉस लगा हुआ वो डिजास्टर के अंदर आ सकते हैं। आपने सुना ही होगा ना जोशी मठ के अंदर कितना डिजास्टर चल रहा है, तो बहुत सारे घरों में क्रॉस लगाया हुआ है और रौनक बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर इस टाइम। चुके हैं गोविंद घाट, जितों साड़ी यात्रा शुरू होगी अगे भी। हमने स्टार्ट कर दिया।
थोड़ा सा रास्ता हमको यहाँ की प्राइवेट टैक्सी में करना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई है। और गोविंद घाट हम कल शाम को पहुँचे थे, रात को स्टे किया, बहुत बढ़िया था यहाँ पे थे हम। एंड आज हम सुबह सुबह ऑलमोस्ट 9:30 बज गए तो निकल रहे हैं, आगे मिलते हैं हम। बहुत सारा नए नए वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं हमें और अच्छा व्यू है। अभी स्टार्ट हुए सिर्फ 10 मिनट नहीं हुए, हमारी सांस फूली पड़ी है, बाकी आगे देखते हैं बनती है क्या बात। अमन सर ने पानी की बोतल उठा ली थी, अखिलेश लो जी इट्स शोले टाइम। बहुत ज़्यादा थक गई यार, मेरे को लगता 2 किलोमीटर भी नहीं आए। बहुत ज़्यादा थक गई, एक प्यो का पुत दिखाए होता किलोमीटर आए हैं 200 चक्कर लगा चुका है सुबह से। अभी टाइम कितना हुआ है? बंद हो गई कड़ी भाई, इम्पोर्टेड है, बंद हो गई है। हाँ 2 घंटे चल रहे हैं, 2 घंटे 1 किलोमीटर पूरा हो रहा है यार, अभी तक नहीं आया गोविंद धाम। पहले सोचो भी नहीं, ठीक है नहीं सोचते। हेलो मैं चल नहीं आता, चल नहीं नहीं सर बैठो जी, चलो चलो ये बांगला नहीं होने यार। एक छोटा सा बच्चा ट्रॉफी लेके गया, इतनी अच्छी लग रही है ना। हम लोग ये रस के 3 पैकेट लेकर आए हैं, 5 पाँच है, 2 उनके पास हैं सेवा करने के लिए, ऊपर सेवा के लिए जब आएंगे तो लोगों को भूख लगेगी, तो उस हिसाब से एक सफाई करने वाला बंदा था वो भी मांग रहा है। हाँ मैं इसको वापस देख के फिर वापस चला, पहले हम आ गए थे फिर ये सर गए वापस देखे। और गाइस दिखाते हैं आपको और डिफरेंट डिफरेंट व्यूज यहाँ पे। 70-70 साल की बुजुर्ग लेडीज भी आई हैं, नंगे पांव नंगे पांव चल रही है, नंगे पांव हर साल, लास्ट ईयर भी आई थी इस साल। गुड हरिंदर सर, वेरी गुड, लव एक यो काट चुका है हां डाई भी है। छोटा लग रहा है ना ये, इसे गूगल भी मॉडरेट हाइकिंग बोलता है। और वो देखो कम से कम 70+ होंगी, ये 70+ तो नहीं होंगी, 60+ होंगी लेडी, बहुत अच्छा आराम से चढ़ रही है। गुड अंदर सर, हाउ आर यू फीलिंग? Feeling like Superman? Yeah. Spider-Man. सारे गंद फैला रहे हैं, हरिंदर भी गंद फैला रहे हो, लेकिन अब बच्चे हैं छोटे छोटे। वेरी गुड डिड बेटा, कोई नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, तुम इकट्ठा कर रहे हो, वेरी गुड। एक ही पॉलिसी नहीं, ये भी हम सेवा के लिए ले जा रहे हैं ना ऊपर। कहाँ से हो आप? अमृतसर से। वेरी गुड बेटा, सर में रेस होने वाली है। मैंने कोई रेस नहीं लगानी, वो तो वेले है। सर ब्लॉग में डालो, ये हरिंदर सर देखो, हरिंदर सर आपने बोला था कि आप रेस लगाओगे सुखवंत सर के पास, जो जो जीतेगा वो पार्टी देगा सुखविंदर सर, ठीक है हरिंदर सर, चलो चलो रुकना।
सबको एडवाइस है, जब भी हेमकुंड की चढ़ाई चढ़ो तो ग्लूकोज का पानी, जो भी आपको एनर्जी दे सकती है चीज़ें, वो साथ में रखो। पीछे एक लेडीज़ कुछ नहीं खा पी रही थी, बेहोश होकर गिर गई, उनको कुर्सी पे लटका रखा है अभी फ़िलहाल। हमने उनको रस वगैरह पानी वगैरह की मदद की हरप्रीत सर की वजह से, तो खा पी के चलो भाई। सारे रस्ते आप चढ़िए जी, जान लगे आन लगे भी आप जा रही है। देखो कितना बहादुर बच्चा है, तुसी आन तो डर दिया दसो। कितना रह गया? 2 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 2 किलोमीटर। यहाँ से रास्ता ना और स्टिफ हो रहा है, नमक की कमी पूरी करें। लगभग 6:30 बजे करीब हम गोविंद धाम पहुंच गए। थके इतना हुए थे कि हम चुपचाप जाके मत्था टेका, डिनर किया और सो गए। सो इस पार्ट में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको हेमकुंड साहब तक लेके जाएंगे, जो लास्ट 6 किलोमीटर का ट्रैक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।